Hello, Vachu, this is Dr. Snigdha, and you're watching me on Chem Focus. This is lecture number 4 of thermodynamics, and today we are going to discuss entropy. So let's start. Bachcho, entropy kya hoti hai? Entropy is measurement of randomness. एक सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है, इस मेजरमेंट को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक, सपोज ये एक क्लासरूम है और क्लासरूम में बच्चे बिल्कुल ही अरेंज्ड वे में बैठे हैं एक रो में। ठीक है, ये सारा बच्चा ठीक से बैठा हुआ है। जब तक टीचर हैं ये लोग बिल्कुल ठीक से बैठे रहेंगे, लेकिन अगर मान लो इंटरवल हो जाता है तो इंटरवल के टाइम पे क्या होगा? इंटरवल के टाइम पे ये सारे बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, है ना? तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन ज्यादा ऑर्डर्ड है, दिस कंडीशन इज मोर ऑर्डर्ड। जो सेकेंड वाली कंडीशन है ना, ये डिसऑर्डर्ड कंडीशन है, यहां पर रैंडमनेस ज्यादा है। ठीक, और कहीं पर भी अगर रैंडमनेस ज्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे? वहां पर एंट्रोपी अधिक है, बिकॉज एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो यहां पर एंट्रोपी अधिक होगा, इधर एंट्रोपी कम होगा। जहां डिसिप्लिन ज्यादा वहां एंट्रोपी कम। ठीक है, ओके। अब एक कंडीशन देखते हैं, मान लो ये है, इसमें रखा है शक्कर, ठीक है, यहाँ पे रखा है शक्कर और यहाँ पर है पानी, और हमने क्या किया, हमने शक्कर को पानी में मिला दिया। ये पानी था, इसमें हमने डिजोल्व कर दिया शक्कर को। अब बताना कौन से केस में ज्यादा ऑर्डरनेस है? अगर कभी भी कोई आपको डिसिप्लिन्ड केस, डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट मिलता है ना, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, तो वहां से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ढूंढ कर निकालना बहुत आसान होता है। मैं इस कंडीशन में से किसी भी एक बच्चे को बड़े आराम से ढूंढ कर बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ना, यहां से एक बच्चे को ढूंढ कर निकालना इज डिफिकल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको शुगर चाहिए तो आपको शुगर बड़े आराम से यहां से मिल जाएगा, पानी चाहिए तो बड़े आराम से यहां से मिल जाएगा, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है यहां से पानी और शुगर को सेपरेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जब भी डिसिप्लिन ज्यादा होती है एक पर्टिकुलर एंटिटी को बाहर निकालना ज्यादा आसान होता है। ठीक, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो कंडीशन है ना, जब ये शक्कर और पानी अलग अलग हैं तब एंट्रोपी कम है, और जो सेकेंड वाला कंडीशन है जब वो दोनों मिले हुए हैं तब एंट्रोपी ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो एंट्रोपी कम एंट्रोपी ज्यादा की कंडीशन आप समझना। कभी भी कोई भी मिक्सचर होगा तो उस मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर मान लो एक एलॉय है तो एलॉय में एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल मेटल्स जिसका वो एलॉय बना है। ठीक, ओके, अब यहां पर एक इधर एक ए गैस है और इधर है बी गैस, और इनके बीच में है पार्टीशन। फिर हमने क्या किया, हमने पार्टीशन को रिमूव कर दिया, हमने रिमूव कर दिया पार्टीशन को। पार्टीशन को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, ए और बी सब मिक्स हो जाएंगे, है ना? इस केस में एंट्रोपी क्या बोलोगे? इस केस में एंट्रोपी अधिक होगी और यहां पर होगा एंट्रोपी कम। ठीक, गॉट इट, ओके। अब एक बात ध्यान रखिए, इस दुनिया में जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है वो सभी यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि नेचुरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, यही होता है ना, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो ऑफ हीट। तो कभी भी ऑन इट्स ओन अगर हीट को फ्लो करना हुआ तो वो इस तरह से फ्लो करेगा। लेकिन ये मान लेते हैं कि एक रूम है और इस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 32 है, 25 है रूम का टेम्परेचर, बाहर का मान लिया 32 है। कुछ बच्चा सोचने लगेगा ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, तो चलो इसको भी मैं 32 पे कर देती हूँ, तो रूम और बाहर का टेम्परेचर 32 है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अंदर में एक एसी सेट कर दिया है
और ये जो एयर कंडीशनर है इसके टेम्परेचर को मैंने 16 पे सेट कर दिया, 16 डिग्री सेल्सियस। तो पता है अब क्या होगा, ये एसी हीट एनर्जी को बाहर भेजेगा, रूम से बाहर। तब तक बाहर भेजता रहेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 16 नहीं हो जाता है ना। इट मीन्स जब रूम का टेम्परेचर 20 है तब भी हीट एनर्जी बाहर फ्लो कर रही है। तो इस बार क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है। लेकिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एयर कंडीशनर, मतलब एक्सटर्नल एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल। ओके, एक्सटर्नल एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो देखो नेचुरली तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है सभी प्रोसेस की, आप चाहो तो उस प्रोसेस को अपोजिट डायरेक्शन में भी करा सकते हो एग्जीक्यूट, प्रोवाइडेड आप एनर्जी खर्च करो। एनर्जी खर्च करने से तो कुछ भी हो जाता है ना। ठीक है, तो सिमिलरली आप ये भी जानते हो, अगर कभी भी एक छोटा, ये एक रूम है, मैं ना ये एक रूम है और इसमें से एक छोटा सा एक टेस्ट ट्यूब लेकर आओ, इस रूम के अंदर आप एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लेकर आओ और इस टेस्ट ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस को फिल कर दियो। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को ओपन करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर बाहर एस्केप करेगा, यही होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस की टेंडेंसी क्या है, टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। ठीक है, तो गैसेस हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। ये गैसेस की एक्सपैंड होने, गैसेस की डिफ्यूज होने की नेचर है। ठीक है, ओके। अब बताओ कभी भी नेचुरली ये प्रोसेस उल्टा होता है क्या? नेचुरली कभी भी ये प्रोसेस उल्टा नहीं होगा ना, हीट कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाएगा नेचुरली ऑन इट्स ओन, ना ही कभी ऐसा होगा कि आप एक रूम के अंदर एक खाली टेस्ट ट्यूब लेकर आ जाओ और सभी हाइड्रोजन को आवाज दो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाओ। पॉसिबल है क्या, कभी भी सारे हाइड्रोजन क्या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आएंगे? नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि रूम में से हाइड्रोजन बुलाने पे टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाए, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन जो होती है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। ओके, ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है, इसको आप नेचुरल प्रोसेस बोलोगे या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलोगे। नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है, या नेचुरल डायरेक्शन का मतलब होता है, वो डायरेक्शन जो नेचर में हो रही होती है बिना एक्सटर्नल एनर्जी के सप्लाई करने के। ठीक है, आप एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं की हो, फिर भी वो प्रोसेस चल रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो नेचुरल डायरेक्शन इज ऑलवेज प्री डिफाइंड इन नेचर, इस ये हमेशा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसी को आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो हमेशा कैसी होगी, यूनी डायरेक्शनल। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर यूनी डायरेक्शनल, ऑल नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल डायरेक्शन है ना वो यूनी डायरेक्शनल होती है। आप चाहो तो उसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स करोगे अगर, रिवर्स्ड कैन बी रिवर्स्ड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, कैन बी रिवर्स्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और एनर्जी। ओके, अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस वेदर केमिकल और फिजिकल विल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली। ओके, इन वन डायरेक्शन ओनली, ये हमने सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल गैस एक्सपैंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम, फ्लो ऑफ हीट इज यूनि डायरेक्शनल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इररिवर्सिबल। आपको पता है जो यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस होती है उसको हम इररिवर्सिबल बोलते हैं, है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में चलने वाला प्रोसेस इररिवर्सिबल होता है एंड कैन ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। ओके, फाइन। ये गैस ए और बी है, बीच में पार्टीशन है, फिर हम पार्टीशन को रिमूव कर देंगे तो अब जो सिचुएशन है वो ज्यादा केओटिक हो जाएगी। ठीक है ना,
इसमें इनडिसिप्लिन ज्यादा हो जाएगा और हम बोलेंगे एंट्रोपी अधिक हो जाएगी. फाइन, ओके. एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ये हमने सीख लिया. एंट्रोपी चेंज, एक सिस्टम में कितना चेंज आया है एंट्रोपी का, उसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एज डीएस सिस्टम. स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट सप्लाइड रिवर्सिबली टू द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर. हीट सप्लाई टू द सिस्टम रिवर्सिबली अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ओके, दिस इज इक्वल टू डी एस सिस्टम. चेंज इन एंट्रोपी, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. ओके, अब हम डी क्यू रिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे. पहले कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं. फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, अगर मान लो दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, आपको पता है ना डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू डी एस सिस्टम होता है. तो दो सिस्टम है, इधर भी लिख लेते हैं इसको, डी क्यू डी एस सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. अब दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम को आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करी है. अब एक बार चेक कर लेना, इधर मैं थोड़ा टर्न हो जाऊं. डी क्यू रिवर्सिबल दोनों ही केसेस में सेम है. ओके, तो अगर डी क्यू रिवर्सिबल दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, हीट सप्लाइड अगर दोनों ही केसेस में सेम है, तो आपको पता है ना, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, डी एस सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. तो मैंने क्या किया, डी क्यू रिवर्सिबल को दोनों ही केसेस में सेम कर दिया. इसका मतलब है जिस भी सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर या फिर जिस भी सिस्टम का टेम्परेचर अधिक होगा, उसकी चेंज इन एंट्रोपी कम होगी, प्रोवाइडेड आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया है दोनों सिस्टम को. जिसकी टेम्परेचर कम होगी, उसका चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होगा. ठीक, तो चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. फाइन, ओके. कभी भी आप जब सिस्टम में हीट ऐड करते हो ना, तो इट कॉजेस इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. ओके, आप जब भी एक सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो इट कॉजेस इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम. फाइन, एक सिस्टम की अगर टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी एंट्रोपी भी अधिक होगी. एंट्रोपी को आप डिनोट करते हो एस से. आपको पता है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, तो ऑब्वियस बात है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है रैंडमनेस इंक्रीज हो गई. राइट, ओके. नाउ फॉर अ सिस्टम विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, एक दो तीन चार, किस केस में मॉलिक्यूल ज्यादा घूम फिर सकते हैं, सेकेंड केस में, है ना. सेकेंड केस में मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली ज्यादा इधर उधर घूम सकते हैं. ज्यादा डिसऑर्डरनेस कहां पर हो सकती है, सेकेंड केस में, ऑब्वियसली, क्योंकि जोन जिसमें वो घूम फिर सकते हैं वो ज्यादा है. एक बड़ा प्लेग्राउंड दे दोगे तो बच्चों की रैंडमनेस ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू एक छोटा कॉम्पैक्ट रूम. ठीक, सो हम कहेंगे कि फॉर अ सिस्टम विथ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंट्रोपी इंक्रीजेस इफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है एंट्रोपी भी उस पर्टिकुलर सिस्टम की अधिक होगी. फाइन, ओके. देन एंट्रोपी बढ़ेगी अगर हम गैसियस स्टेट में जाएंगे फ्रॉम लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट की ज्यादा एंट्रोपी होती है व्हेन कंपेयर टू सॉलिड स्टेट. गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मोशन में रहते हैं, है ना, तो गैसेस में ज्यादा एंट्रोपी होगी, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय सॉलिड. ओके, एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज लार्जर देन सिंपलर वंस. इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन,
तो ये जो प्रोपेन है इसकी जब आप 3D में अरेंजमेंट देखोगे ना, तो प्रोपेन की मोर नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी इन 3D व्हेन कंपेयर टू से मिथेन। ठीक है, तो जो मिथेन है उसकी कॉन्फिगरेशन इन 3D कंपैरेटिवली कम है व्हेन कंपेयर टू प्रोपेन, क्योंकि आपको पता है हर एक कार्बन इन प्रोपेन इज टेट्राहेड्रल, तो हर एक कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अटैच्ड है। इस तरह से करके बहुत बड़ी कॉन्फिगरेशन आ जाती है, और ये जो कॉन्फिगरेशन आपको मिली है इसको अरेंज करने का बहुत सारा तरीका होगा इन स्पेस। ठीक है, अब जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को मोर नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हो इन स्पेस, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन को बाहर निकाल कर ला पाना मुश्किल होगा, है ना। ओके, जैसे कि आप समझते हो ना कि एक CH4 टेट्राहेड्रल है, एक CH4 तो सिंपल है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन वहीं पर अगर आप प्रोपेन की बात करोगे तो प्रोपेन क्या होगा, यहां पर होगा एक कार्बन, एक ये वाला कार्बन है, इससे टेट्राहेड्रली कौन अटैच्ड है, दूसरा कार्बन, इससे टेट्राहेड्रली अटैच्ड है ना, और फिर एक और तीसरा कार्बन है, ये भी टेट्राहेड्रली अटैच्ड है सेकेंड कार्बन से। ठीक है, तो इस तरह से करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फिल कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फिल किया, यस, और यहां पर हाइड्रोजन को फिल किया, यस, और यहां पर भी हाइड्रोजन को फिल किया। लेकिन आपको ये समझ में आ चुका है कि ये वाला जो केस है ये मोर कॉम्प्लेक्स है और इसमें मोर नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन पॉसिबल होगी, है ना। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी किस केस में ज्यादा होगी, एंट्रोपी ऑफ प्रोपेन विल बी मोर देन एंट्रोपी ऑफ CH4 बिकॉज प्रोपेन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, ठीक, नाउ अगर हम एंट्रोपी कंपेयर करें ऑफ कंपाउंड्स विथ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस, तो जिसकी साइज ज्यादा, मान लो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कंपेरेबल है, तो जिसकी साइज ज्यादा होगी ना उसकी एंट्रोपी भी अधिक आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो हम कंपेयर कर रहे हैं आर्गन को और CO2 को, CO2 की एंट्रोपी अधिक होगी व्हेन कंपेयर टू आर्गन, अगेन सेम रीजन है, क्या रीजन है, CO2 की कॉन्फिगरेशन ज्यादा होगी इन स्पेस व्हेन कंपेयर टू, मोर नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा इन स्पेस व्हेन कंपेयर टू आर्गन। ओके, और ये जो कॉन्फिगरेशन वाली बात है इसको समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आप वॉच कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा स्पेस में कॉन्फिगरेशन का क्या मतलब है। ओके, जो आयनिक कंपाउंड है उनमें अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा आएगी तो आपको पता है क्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उस केस में रैंडमनेस कम आएगी, राइट। तो अगर कभी भी आप कंपेयर करोगे MgO और NaCl को, तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस टू माइनस टू है ना, इन दोनों में एंट्रोपी की वैल्यू कम कहां पर होगी, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है एंट्रोपी का ऑर्डर कुछ ये हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ NaCl विल बी मोर देन एंट्रोपी ऑफ MgO। नेक्स्ट, जितने ज्यादा हार्ड सब्सटेंस हैं उसकी एंट्रोपी उतनी कम होगी, क्योंकि हार्ड सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसका मतलब है आपको पता है डायमंड ज्यादा हार्ड होता है व्हेन कंपेयर टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ज्यादा हार्ड होता है व्हेन कंपेयर टू Fe, Fe ज्यादा हार्ड होता है व्हेन कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा हार्ड होता है व्हेन कंपेयर टू Na। एज अ रिजल्ट एंट्रोपी की ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगी, किसके अपोजिट होगी, हार्डनेस के अपोजिट। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी, फॉर स्पॉन्टिनिटी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करता है, वहां पे ये बात नहीं होती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये जानते हो कि दुनिया में जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन ही होती है, वो उसी डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करते हैं, ठीक है, उसी पाथ को फॉलो करते हैं, उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो दुनिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ठीक है, फ्लॉट जो हम लोगों का था वो फ्लॉट डायरेक्शन से डील नहीं करता है, लेकिन दुनिया में जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस टेंड टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो, नेचुरल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी। ओके,
डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी का हमें आइडिया कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक नेचुरल प्रोसेस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, ये हमें बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक है फॉर फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपको पता है ना, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो हीट या फिर मैटर अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा होता है। तो अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की स्टडी करते हो और सिर्फ सिस्टम की स्टडी करते हो तो भी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। आप सराउंडिंग की स्टडी नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपका सिस्टम है ना, ये ना ही सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रहा है, ना ही दे रहा है, ना ही सराउंडिंग को मैटर ले रहा है, ना ही सराउंडिंग को मैटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, मतलब इन शॉर्ट एक आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग से पूरा कट ऑफ है। तो अगर आप स्टडी करते हैं सिर्फ एक आइसोलेटेड सिस्टम की, आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। आप सराउंडिंग का स्टडी नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए थ्योरी क्या है हमारी, कहता है, आपको पता है, ये समझो थोड़ा, एक सिस्टम की नेचुरल डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि मान लो रूम, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, सारे ही बच्चे बहुत ही अरेंज्ड वे में बैठे हुए रहते हैं, लेकिन अगर कभी भी ब्रेक होता है, अचानक से ब्रेक हो जाए, 2 घंटे हुए क्लास को और फिर ब्रेक हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे टीचर क्लासरूम से बाहर चला जाता है, और टीचर के बाहर जाते ही फिर तो क्लासरूम में पूरी हलचल मच जाती है ना, बच्चे इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। तो जब तक एक्सटर्नल एजेंट है तब तक तो बच्चे ठीक से बैठे हुए हैं, मतलब एंट्रोपी कम है बच्चों की, लेकिन जैसे ही इंटरवल होता है, टीचर जाता है बाहर, मतलब एक्सटर्नल एजेंट हट गया है, एक्सटर्नल एजेंट का कोई इफेक्ट नहीं है अब, तो बच्चों की नेचुरल डायरेक्शन क्या होती है, बच्चे इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, इट मींस उनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। तो नेचुरल टेंडेंसी यही है। ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी हमेशा डिसऑर्डर्ड वे में जाने की होती है, हमें एक्सटर्नल एजेंट को अप्लाई करके फिर ऑर्डरनेस लाना होता है, डिसिप्लिन लाना होता है। ओके, तो नेचुरल टेंडेंसी हमेशा एक सिस्टम की वही रहेगी जिस डायरेक्शन में उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो। ओके, तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द डायरेक्शन इन विच एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इज द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ओके फाइन, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टम का स्टडी करना है, सिस्टम की एंट्रोपी जिधर बढ़ रही है वही डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। ठीक है ना, ओके, उसी डायरेक्शन में सिस्टम आगे बढ़ना चाहेगा। सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, है ना। अगर फाइनल ज्यादा होता है तो इसका मतलब चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये वाली डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, मतलब डेल्टा एस सिस्टम शुड बी पॉजिटिव, तभी इस डायरेक्शन को आप स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन बोलोगे। ओके, नाउ सेकेंड है हमारा फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, वो तो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है, सराउंडिंग को हीट एनर्जी देता है, उससे हीट एनर्जी लेता है, मैटर एक्सचेंज करता है ना। तो एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपकी स्टडी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को स्टडी करोगे तो, मतलब आपको सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग को भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम बोलेंगे
डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी यहां पर भी वही डायरेक्शन है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसकी एंट्रोपी? सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। ओके, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को हम बोलते हैं डेल्टा एस टोटल। डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज द डायरेक्शन इन विच एंट्रोपी, इन विच टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है, और टोटल एंट्रोपी का मतलब है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये टोटल मिलाकर जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा होगा वही डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी या फिर नेचुरल डायरेक्शन। ओके, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को तो लिख दिया ना, डेल्टा एस टोटल। दिस डेल्टा एस टोटल शुड बी मोर देन 0 टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी। ओके, टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। समझ गए बात? ओके, अब आपको ये तो पता है ना, कभी भी अगर आपको डिफाइन करना होता है, जैसे डीएस सिस्टम डिफाइन करना है, तो क्या बोलोगे? डी क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम अपॉन टी ऑफ सिस्टम। सही बात है, करेक्ट। अगर आपको डिफाइन करना होगा डीएस सराउंडिंग, तो क्या बोलोगे? डीएस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग अपॉन टी ऑफ सराउंडिंग। अब एक दो पॉइंट को आप थोड़ा नोट करना। जितना हीट एक सिस्टम को मिलता है उतना ही हीट सराउंडिंग लूज करता है ना? सिस्टम किसको हीट एनर्जी देता है? सराउंडिंग को। सिस्टम हीट एनर्जी किससे लेता है? सराउंडिंग से। तो एक सिस्टम जितना हीट एनर्जी लूज करेगा उतना ही हीट सराउंडिंग को मिलेगा, और एक सराउंडिंग जितना हीट एनर्जी लूज करेगा उतना ही हीट सिस्टम को मिलेगा, है ना? ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं डी क्यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डी क्यू ऑफ सराउंडिंग? सही बात है ना, एक का अगर गेन हो रहा है तो दूसरे का लॉस होगा। एक का अगर +5 है, सपोज डी क्यू ऑफ सिस्टम इज +5, तो डी क्यू ऑफ सराउंडिंग कितनी होगी? -5, क्योंकि उतना ही हीट एनर्जी सराउंडिंग ने लूज किया जितना सिस्टम गेन कर रहा है। फाइन, ओके। हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। फाइन, ठीक, ओके। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम को क्या लिखोगे? अभी चलो डेल्टा एस सिस्टम ही लिख देते हैं इसको। फाइन, डेल्टा एस जो सराउंडिंग है उसे मैं क्या लिख सकती हूं? ये होता क्या है? ऑब्वियसली ये क्या होता है? प्लस डेल्टा क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग, यही तो होता है। ठीक, अब मैं इसे लिख रही हूं डेल्टा एस सिस्टम को, तो एज इट इज लिखा। ये जो डेल्टा क्यू सराउंडिंग लिखा है ना, इसको माइनस क्यू सिस्टम तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं फिर माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। डेल्टा क्यू को केवल, डेल्टा क्यू सराउंडिंग को केवल हमने रिप्लेस कर दिया है माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम से। ठीक, ओके। सिस्टम और सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है वो हमेशा ही साइन में अपोजिट होगी। देन अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की, ये हमेशा कब होता है? एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में ये माना जाता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो मैंने यहां लिखा है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम। क्यों लिख देते हैं इसको? अपॉन टी। ठीक, फाइन। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कब?
एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर माना जाता है। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे, क्या आपको याद है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है, ये याद है ना। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। सही बात है। ओके, क्या बन गया ये बन गया, एलसीएम ले लोगे आप तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक, दोनों साइन को नेगेटिव से, दोनों साइड को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। बस इतना ही किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया है नेगेटिव से, क्या आ गया है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। फाइन। ओके, अब हमने ये जो इक्वेशन निकाला है ना, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है वो है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इसकी यूटिलिटी क्या है देखेंगे अभी। मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया जाता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। सभी सिस्टम की बात है। ओके, अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बोल सकते हैं ना, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये सभी किसका है, सिस्टम का है, ये सभी सिस्टम का है, सिस्टम का है। ओके, ये जो फॉर्मूला आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अब आप थोड़ा चेक करेंगे इन दोनों को कंपेयर करना, देखो ऊपर भी डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम था, नीचे भी यही आया, तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों का इन दोनों इक्वेशन से आप ये तो कह सकते हो डेल्टा जी सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है आपका थर्ड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। हमने डेल्टा जी पैरामीटर को हम क्यों लेकर आए हैं ये भी हम सीखेंगे। डेल्टा जी जो होता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, इस थर्मोडायनेमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी को डिफाइन करता है। मैम डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी को तो एंट्रोपी भी डिफाइन कर दिया था, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ एंट्रोपी को, डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी को एंट्रोपी डिफाइन किया है, ट्रू, लेकिन कौन सा एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग की, जब आप चेंज की स्टडी करते हो तब आप डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जी जो है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सिर्फ सिस्टम का स्टडी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आपको डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी मिल जाएगी, इसके लिए आपको सराउंडिंग की स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जी ऑफ अ सिस्टम एक कंप्लीट फंक्शन है जो डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी को डिफाइन कर सकता है। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा इस इक्वेशन को देख लेते हैं जो लास्ट पेज में आया था। इक्वेशन हमारा आया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सब सिस्टम का, सिस्टम का, सिस्टम का। डेल्टा एच जो है ना, डेल्टा एच ऑफ अ सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, टी इज टेम्परेचर, डेल्टा एस, टी डेल्टा एस सिस्टम जो है ये वाला पार्ट, इसका मतलब होता है ये वो एनर्जी है एक सिस्टम की जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, यूजलेस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी विच
कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. तो ये टोटल, ये वो एनर्जी जो कन्वर्ट नहीं हो सकती है इनटू वर्क, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी वो एनर्जी है जिसको आप काम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, मान लो 10 टोटल एनर्जी है, उसमें से 3 कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो जो बचा 7 वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू वर्क. ठीक है, तो हम बोलेंगे डेल्टा जी क्या होता है, ये वो एनर्जी है विच कैन एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. गॉट इट? ओके. डेल्टा जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी इसलिए कह रहे होते हैं. डेल्टा जी तो वैसे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है. ये जो गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं ना, ये फ्री टर्म, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी वो एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है एक सिस्टम की जो फ्रीली अवेलेबल है और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो काम में. ओके, ठीक है. अब क्या आप ये समझते हो, हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो कौन सी एनर्जी होती है, जब सपोज आप एक सिस्टम पे काम करोगे, ठीक है, एक सिस्टम पे आप काम करना, वो जितना भी आपने काम किया एक सिस्टम पे, वो पूरा का पूरा काम उस सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उस स्टोर्ड एनर्जी को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो एक सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है और जो वर्क होता है, जो हम काम करते हैं एक सिस्टम पे, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो सकता है. ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से फिजिक्स में आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर केमिकल एनालॉग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी. ये वो एनर्जी है जो काम में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, ठीक है. तो गिब्स फ्री एनर्जी इज केमिकल एनालॉग, इज केमिकल एनालॉग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, मैंने आपसे ये कहा था गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो है एक सिस्टम की, ये आपको डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी डिफाइन करके दे सकती है. कैसे वो अभी देखते हैं, लेकिन डेल्टा एस एक सिस्टम का अकेले आपको स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन नहीं बता सकता. आप उसको डेल्टा एस सराउंडिंग के साथ कंपेयर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, डेल्टा एस टोटल आएगा, तब जाकर आपको डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी समझ में आएगा. और बच्चों, एक सिस्टम की स्टडी करना बहुत आसान होता है, एक सराउंडिंग का स्टडी करना, सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो सराउंडिंग की स्टडी करना इज टू डिफिकल्ट. तो हम हमेशा उस पैरामीटर पे फोकस करते हैं जो सिस्टम का केवल रिजल्ट देकर हमें फाइनल किसी कंक्लूजन तक पहुंचा दे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ सिस्टम की स्टडी करें और हमारा काम हो जाए. दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी डेल्टा एस टोटल बता रहा था, फिर भी एक नए थर्मोडायनेमिक फंक्शन को आना पड़ा डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी को डिफाइन करने के लिए. ओके, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था हमेशा डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है. स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन क्या होता है, डेल्टा एस टोटल मोर देन जीरो, है ना. डेल्टा एस टोटल जो आनी थी वो मोर देन जीरो होना था, मतलब फाइनल एंट्रोपी शुड बी मोर देन इनिशियल एंट्रोपी, तभी हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टिनिटी है, ये नेचुरल डायरेक्शन है. जिधर रैंडमनेस बढ़ रहा है वो नेचुरल डायरेक्शन है, ठीक है. डेल्टा एस टोटल अगर मोर देन जीरो है तो आप बताओ डेल्टा जी सिस्टम, ये तो भूले नहीं हो ना, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, ये पढ़ा था यहां पर, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. तो अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव. तो स्पॉन्टेनियस बोलने के लिए डेल्टा जी सिस्टम विल बी लेस देन जीरो, तब एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, देन नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब उल्टा ऑफ स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो. ओके, डेल्टा जी सिस्टम क्या, मोर देन जीरो. तो कभी भी डेल्टा जी सिस्टम मोर देन जीरो आएगी तो आप बोलोगे आपका प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है. फाइन, अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू जीरो आ जाए
तो हम क्या कहते हैं, ये कौन सा कंडीशन है? अगर डेल्टा एस टोटल जीरो आ गया, मतलब डेल्टा जी सिस्टम भी जीरो आएगा, है ना? डेल्टा जी सिस्टम भी जीरो आएगा। इसे आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब एंट्रोपी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है नेट एंट्रोपी, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये अगर जीरो आ जाता है डेल्टा जी सिस्टम या फिर डेल्टा एस टोटल, तो आप कहते हो ये कंडीशन किसका है? इक्विलिब्रियम का है। ओके, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस देखना, और ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, डेल्टा एस, डेल्टा जी, और फिर है डिस्क्रिप्शन। ठीक, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, लेट सपोज डेल्टा एस भी पॉजिटिव दिया हुआ है, ये सभी किसका दिया हुआ है बच्चों? ये सभी है सिस्टम के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब आपको पता है ना डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है। पहला दो कॉलम ध्यान रखना, पहला दो कॉलम क्वेश्चन का है, तो ये भी पॉजिटिव है। टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये भी प्लस है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? डेल्टा एच जो कि पॉजिटिव है माइनस टी डेल्टा एस कर रहे हो। ठीक है, प्लस माइनस ये पूरा आप कर रहे हैं टी डेल्टा एस। अब स्पॉन्टेनियस, आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है डेल्टा जी निगेटिव में आए, है ना? डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव आए। डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव किस तरह से आएगा? डेल्टा एस तो पॉजिटिव है और डेल्टा एस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब आप अगर ये वाले सेगमेंट को बढ़ा देते हो, अगर ये सेगमेंट बढ़ जाएगा तो आपका नेट आंसर निगेटिव में आ जाएगा, है ना? इस सेगमेंट को कैसे बढ़ाओगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करके। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस कब होगी? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन है। सेकेंड, डेल्टा एच, मान लो डेल्टा एच दिया हुआ है नेगेटिव, डेल्टा एस भी दिया हुआ है नेगेटिव, ये दोनों क्वेश्चन में नेगेटिव दे रखा है। डेल्टा एच आप लिखते क्या हो? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सभी किसका दिया हुआ है? सिस्टम का। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। इसका मतलब है जो माइनस टी डेल्टा एस वाली सेगमेंट है वो अल्टीमेटली क्या बन रही है? पॉजिटिव बन रही है। ठीक, आप चाहते हैं कि आपका नेट आंसर नेगेटिव में आए, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना? तो नेट आंसर नेगेटिव लाने के लिए, डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो टी डेल्टा एस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है, इसको छोटा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, है ना? तो ये अगर कम रहेगा इसका मतलब आपका काम हो गया। ठीक, तो आप क्या करोगे? बोलोगे स्पॉन्टेनियस होगा आपका प्रोसेस एट लो टेम्परेचर। फाइन, अगर ये छोटा है मतलब पॉजिटिव वाला सेगमेंट छोटा है। गॉट इट? नाउ थर्ड, अगेन ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। डेल्टा एच को कैसा रखा? डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दिया आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच को क्या कर दिया है? पॉजिटिव कर दिया है। ठीक है, डेल्टा एस कैसा? नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होकर पॉजिटिव बन गया। इट मींस अगर डेल्टा एस नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेट कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। इट मींस डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम बोलेंगे प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? ओके, कमिंग टू फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या हो सकता है? एक प्लस एक नेगेटिव था, नेक्स्ट केस है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए क्या करोगे? अगर मान लो फर्स्ट वाला नेगेटिव है, फर्स्ट वाला नेगेटिव है,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस को कैसा रख दिए हम, नेगेटिव रख दिए हैं, डेल्टा एस इज नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। फाइन, ओके। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव जब रखे हो, डेल्टा एच इज नेगेटिव ऑलवेज, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली नेगेटिव बन रहा है ना, ये बन रहा है नेगेटिव। अब नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब नेट आंसर इज नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव आ रही है, तो क्या हुआ, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस, तो ऐसा प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ओके।